हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ काउंसलिंग इन बनस्थली का प्रोसीजर, तो मैं आपके कंप्लीट डाउट का क्लियरेंस लेके आ चुकी हूँ। एक बहुत ही कंप्लीट होलसम वीडियो फॉर काउंसलिंग, एंड इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, जैसे कि व्हाट इज़ काउंसलिंग एंड देन क्या होता है काउंसलिंग में, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, हुम टू टेक विद यू, एंड देन हाउ मच टाइम यू शुड टेक, व्हाट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन एंड क्या सारी फीस आपको सबमिट करनी होती है, क्या होता है। तो आपके सारे जो भी काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आई नो कि आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, आप लोगों को काउंसलिंग लेटर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत है वो हम सबसे पहले करेंगे, मैं आप लोग को बताती हूँ व्हाट इज़ काउंसलिंग। तो जैसे कि जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, उसके बाद आपके सिलेक्शन के बाद आप लोगों को एक लेटर आया होगा, आपके मेल पे आ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड आफ्टर दैट आपको जो है कॉलेज काउंसलिंग के लिए बुलाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग में, उसमें काउंसलिंग में क्या होता है, बेसिकली वो देखते हैं कि जो नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपका स्पेसिफिक ब्रांच रहेगा वो आपको वो अलॉट करते हैं, ओके। तो वहाँ पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर आपसे मतलब फॉर्म फिलिंग होती है, और आपके लेटर में भी लिखा होगा कि आपको कौन से मंदिर जाना है। मंदिर हियर मींस डिपार्टमेंट, बेसिकली नव मंदिर आपको जाना होता है, जो नव मंदिर है बनस्थली का प्रोसीजर रहता है, इन सब चीज़ों के लिए बना हुआ है। तो आप वहाँ पे आप जाओगे, ठीक है। तो जब आप बनस्थली में एंटर करोगे ना, एंटर करते ही देखिए जो फर्स्ट राइट टर्न आएगा उसमें नव मंदिर है, उसमें आपको वहाँ पर सीधे स्ट्रेट जाना है, एंड वहाँ पर आपके सारे प्रोसीजर्स होंगे। सेकेंडली, काउंसलिंग में होता क्या है, काउंसलिंग में क्या होता है कि आप जो है आपको नंबर ऑफ़ फॉर्म्स दिए जाएंगे, काफ़ी सारे फॉर्म्स रहेंगे जो कि आपकी सिक्योरिटी बेसिस के लिए और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहेंगे, और एडमिशन के टाइम के लिए आपसे तीन आई गेस थ्री फॉर्म्स फिल करवाते हैं, जिसमें तीन अलग अलग डिपार्टमेंट, एक आपके डिपार्टमेंट में जाता है, एक नव मंदिर में जाता है, एक कॉलेज के मेन उसमें जाता है, इसको आपको फॉर्म को फिल करना होता है, एंड उसके बाद वो आपको सबमिट कर देना होता है। वो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो मेक श्योर यू टेक पासपोर्ट साइज फ़ोटो विद यू, योर आधार कार्ड, एंड देन उसके बाद आपके टेंथ की मार्कशीट लेके जाइएगा, ट्वेल्थ की मार्कशीट लेके जाएगा, जितने भी आपके मेरिट बेस्ड जितने भी रिजल्ट्स हैं उनकी मार्कशीट की कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके, या फिर उसको आप ओरिजिनल भी लेके जा सकते हो। प्लीज़ बैकग्राउंड में घंटी की आवाज़ को अवॉइड करना, बिकॉज मैं ऐसे टाइम देखती रहूँगी तो मैं वीडियो को भी बना ही नहीं पाऊँगी, ठीक है। तो वेयर वाज आई, हाँ, तो फिर आप लोगों को ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएगा, ठीक है, जो भी आपके मेरिट से रिलेटेड आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो, जो भी पर्टिकुलर अगर कोई एग्जाम दिया है जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ है वो, एंड आप अपने पेरेंट्स का भी आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो, दे आस्क फॉर यू नो आइडेंटिफिकेशन, एंड ये सारी चीज़ें अभी मुझे ध्यान में आ रही हैं, बाकी मैं अगर जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन कर दूँगी अगर मुझे कुछ और याद आए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो कि व्हाट इज़ मेडिकल एग्जामिनेशन इन काउंसलिंग। तो मेडिकल एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ बिग डील, देखो क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ फॉर्म्स देंगे, आप वो सब फिल करोगे, एंड फिर हमारे वहाँ पे एक मेडिकल रूम है, वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आपका आई चेकअप होगा, एंड आपका वेट लिया जाएगा, एंड दे आर गोइंग टू जस्ट सी हाउ फिजिकली फिट यू आर, एंड आफ्टर दैट वहाँ से ऐसे साइड में आपकी आईडी कार्ड के लिए पिक्चर क्लिक होगी, जो कि स्मार्ट आईडी कहते हैं, वो आपको आईडी कार्ड पे आपकी वही पिक्चर लगेगी जो जिस दिन आप जाओगे एडमिशन काउंसलिंग के लिए। तो मेक श्योर टू लुक प्रिटी, क्योंकि वही पिक्चर आपकी आईडी कार्ड में भी लगेगी। तो फिर वहाँ पे आपका आई टेस्ट वगैरह होने के बाद थोड़ा सा मेडिकल एग्जामिनेशन वेट आपका देखेंगे, थोड़े से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है, तो उसको एश्योर करेंगे कि मेडिसिन वगैरह कोई भी, इतना भी कोई टफ मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, बहुत ही बेसिक सा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, एंड आफ्टर दैट आपको आपका ऐसे आईडी कार्ड के लिए एक पिक्चर क्लिक होगी, एंड देन द प्रोसेस इज सॉर्टेड। आप और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करने वाली थी कि आप अपने साथ काउंसलिंग में किसको लेके जाएं। आप अपने दोनों पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो, या फिर आप अपने फादर या फिर मदर, दोनों में से किसी एक को भी लेके जा सकते हो। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी जितने कम लोग लेके जाओगे उतना सही है,
क्योंकि ये प्रोसीजर इतना ज़्यादा हेक्टिक होगा आपके लिए, क्योंकि मैं आज आपको बोल चुकी हूँ आपको बहुत ज़्यादा गोल गोल चक्कर घूमने पड़ेंगे, 4-10-15 फॉर्म ये यहाँ से वहाँ, तो फिर आप जितने लोग लेके जाओगे उनको भी उतनी ही परेशानी होगी। आप इतने अपने साथ कोई भी एक गार्जियन या अपना एक पेरेंट ले लीजिएगा एंड आप खुद चले जाएगा एंड ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब ऐसे बहुत ही मतलब टाइम टेकिंग है बट स्मूथ हो जाता है, सब कुछ बहुत ही ईजिली स्मूथली हो जाता है। बस आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा और गर्मी का भी ध्यान रखिएगा और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, पता है बहुत गर्मी होती है एंड उसमें ये सब करना और सारे पेपर्स एंड बिकॉज़ ये आपके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा तो आप थोड़े से नर्वस भी होते हो कि कुछ गलत ना हो जाए या सही, तो फिर इस सब चीज़ों में अपने माइंड को काम रखना भी बहुत ज़रूरी है। और कोई भी ऐसे गलत फॉर्म अगर आपने फिल भी कर दिया तो प्लीज़ ऐसे पैनिक नहीं होएगा, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है, आप उनसे दूसरा फॉर्म भी मांग सकते हो एंड ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे हेक्टिक सा रहेगा प्रोसीजर, तो उसमें आपको जो है थोड़ा सा एक डीप ब्रेक, मतलब उस वक्त तो खैर परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर रहता है बट हो जाता है, इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात तो फॉर्म को हिंदी में भरना होता है, ठीक है। आधे से ज़्यादा टेंशन तो वहीं हो जाती है कि हमको फॉर्म हिंदी में भरना है और कोई गलती ना हो जाए। टेंथ के बाद मैंने पहली बार मास्टर्स के वनस्थली में हिंदी में लिखा एंड इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर फील हो रहा था हिंदी में फॉर्म फिल करने में। तो अगर आप थोड़े से मतलब आपको अभी तो खाली टाइम है तो आप ऐसे थोड़ा हिंदी का लिखने का भी ट्राई कर लीजिएगा तो थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब मैं आपको बहुत ही काउंसलिंग ओरिएंटेड ऐसे गाइड कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ें बता रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद मैं आपको लास्टली अपना एक्सपीरियंस, खुद का काउंसलिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगी सो दैट आप और भी ईजिली रिलेट। सो शेयरिंग यू माई काउंसलिंग एक्सपीरियंस, सो मैं जो है वनस्थली में 2022 में मैंने एडमिशन लिया था एंड मुझे मेरा काउंसलिंग लेटर मिल गया था एंड मुझे जो डेट मिली थी वो 9 जुलाई की मिली थी, बट उस टाइम मेरे जो बैचलर्स का एग्ज़ाम था वो चल रहा था तो उस वजह से मैं उस 9 की काउंसलिंग को नहीं जा सकी। बट जो वनस्थली के एडमिनिस्ट्रेशन थे वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव थे, मैंने उन लोगों को अपना सिचुएशन एक्सप्लेन किया एंड वो लोग काफ़ी सपोर्टिव थे उसको लेके, क्योंकि मेरा एग्जैक्टली 9 को ही एग्ज़ाम था एंड मैं नहीं एग्ज़ाम छोड़ सकती थी। तो आई टॉक्ड टू मतलब एक सर थे, उनसे मैंने बात की एंड उन्होंने फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया एंड उसके बाद आई वेंट, मेरा डेट थोड़ा शिफ्ट कर दिया उन्होंने 13 को किया एंड मैं 13 जुलाई को गई वनस्थली। ओ माई गॉड, वनस्थली इतना अंदर इतना दूर था, ठीक है, हम लोग कैसे तो पहुँचे, कैसे तो नहीं मतलब बहुत ही लॉन्ग रूट था बिकॉज इट्स एकदम ऐसे अंदर अंदर के भी अंदर जाके है वो कॉलेज, ठीक है, मतलब अलग ही दुनिया है वो, ठीक है। और पूरे रास्ते आई वाज थिंकिंग ऐसा होगा कॉलेज, वैसा होगा कॉलेज, ये होगा वो होगा, वलाना डिकाना जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जब एंट्री करते हैं तो वहाँ एंट्री करते हैं तो एंट्री गेट पर आपको सिक्योरिटी के पास गेट पर एंट्री करनी होगी, वहाँ पर आपसे कोई आपका आधार कार्ड ये सब मांग सकते हैं नेम के, उसके लिए मतलब नेम वो टैली करने के लिए वो आपसे मांगेंगे। उसके बाद आप अंदर जाओगे, वहाँ से स्ट्रेट जाके राइट टर्न पहला टर्न लेना, नव मंदिर आ जाओगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर बिल्डिंग, इतनी साफ सुथरी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा था और पूरा एयर कंडीशन था, तो हम लोग जो इतनी गर्मी में आए हुए थे वो सारा हमारा मिट गया। फिर हमने वहाँ से एक मतलब हमें एक सेट ऑफ फॉर्म होता है वो सेट ऑफ फॉर्म दिया उन्होंने एंड आई स्टार्टेड फिलिंग इट, उसको मैंने फिल किया पूरा फॉर्म वॉर्म, वो हिंदी में भी फिल करना होता है और इंग्लिश में भी फिल करना होता है। उस फॉर्म में बेसिकली आपका नेम, आपका पेरेंट्स का नेम, उसके बाद हाँ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना भूल गई थी वो ये थी कि आप अपने लोकल गार्जियन को भी साथ लेके जाइएगा, क्योंकि जो हाँ मेरे फ़ोन का स्पेस फिल हो गया था, कट कर लिया। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि एक चीज़ मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना भूल गई, वो ये है कि आपके फॉर्म में एक सेक्शन होगा लोकल गार्जियन फिल करने का। दैट मींस कि लोकल गार्जियन का मतलब ये है कि अगर कोई आसपास मतलब आपके पेरेंट्स के अलावा कोई लोकल गार्जियन है तो उस फॉर्म में उनकी पिक्चर, उनका पासपोर्ट साइज पिक्चर और उनका सिग्नेचर लगेगा, क्योंकि जब आप छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे तो उस पर मतलब अगर आपने लोकल गार्जियन, मतलब आपको 3 सिग्नेचर्स देने होंगे। फर्स्ट आप तो अपने मतलब पेरेंट का दे दोगे, मदर एंड फादर का दे दोगे, और एक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई एक लोकल गार्जियन का भी करो। लेकिन आप जब लोकल गार्जियन का करोगे तो फिर आपको ऑब्वियसली बात है उनको भी साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस फॉर्म में उनका सिग्नेचर चाहिए होगा। एंड सेकेंडली आप अपने जो भी आप अपने गार्जियन, अपने पेरेंट, उनका भी पासपोर्ट साइज पिक्चर लेके जाएंगे, अपनी मदर का, अपने फादर का, जिनको भी आप उस फॉर्म में मेंशन करना चाहते हो, जो कि आपकी छुट्टी के लिए अप्रूव करने के लिए एलिजिबल होंगे।
और ये बात याद रखिएगा, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, जो फॉर्म पे आप साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, जिसके सिग्नेचर जैसे रहेंगे, वही सेम सिग्नेचर जब आप अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करोगे तो वही सेम सिग्नेचर यूज़ होंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को बोलेगा कि बहुत ही केयरफुली उसमें सिग्नेचर करें, क्योंकि वो वेरीफाई होता है आफ्टर, जब आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, अगर आपको इस वाले सेगमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्या करना होता है, किस तरीके का फॉर्म होता है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मुझसे भी रह जाती है। बट वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही केयरफुली करेगा। मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने अपने फादर का सिग्नेचर करवा दिया था अपने फादर का, एंड जब मैंने मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ा तो मेरे फादर का स्मॉल सिग्नेचर था, तो वो मतलब मैच नहीं कर पाया, तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा कन्वे करके वो सॉर्ट हो गया। तो मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि फॉर्म में जो भी फिल करे, काफ़ी केयरफुली फिल करे, क्योंकि वो आपको फ्यूचर में कॉलेज में काम आएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हाँ, देन आई फिल द फॉर्म, एंड आफ्टर दैट मैं क्योंकि दिल्ली से गई थी तो मुझे था कि मैं अपना हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह भी कर लूँ, तो मैंने थोड़ा स्पेशल केस करके अपना हॉस्टल अलॉटमेंट भी कर लिया था। और हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसीजर है वो भी एक फुल अलग प्रोसीजर। अगर आप चाहते हो तो आई कैन मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अलॉट हॉस्टल इन मनस्थली। सो आई होप कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया है कि क्या क्या चीज़ों में। और ऑल्सो मैं अभी वीडियो देख रही थी तो पीछे से थोड़ी सी ऐसे बच्चों की आवाज़ आ रही थी, इसके जस्ट पीछे एक अकेडमी था उससे थोड़ा शोर आ रहा था। प्लीज़ 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 आई एम सॉरी फॉर दैट, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन। और क्या होता है कि टाइम वाइन बिल्कुल सेट नहीं हो पाता, पर बिकॉज अभी काउंसलिंग का पीक टाइम है एंड आई नो दैट बहुत ज़रूरी है कुछ बातें पहले पता होनी, एंड काफ़ी कम वीडियोज़ है ऑन इंटरनेट, इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाई थी। आप थोड़ा सा वॉल्यूम तेज़ करके सुन लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड या फिर आई विल शेयर यू माई मेल आई डी, यू कैन मेल मी उस पर। मैं आपके कोई भी क्वेरी जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड होगी वो सॉर्ट कर दूंगी। एंड ये कॉलेज का प्रोसीजर था, स्कूल का प्रोसीजर भी सेम होता है, बस आपको अलग डिपार्टमेंट में जाके ये सारा प्रोसीजर करना होता है। एंड आई विल एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगी, टेक केयर, डोंट बी पैनिक, आराम से फॉर्म फिल करिएगा सारे, हिंदी की प्रैक्टिस करके जाइएगा, एंड और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू द बनस्थली फैमिली। यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक इट, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आस्क मी ऑन कॉमेंट सेक्शन। बाय।